फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। तो जैसा कि पिछले लॉन्ग वीडियो में आप लोगों ने कहा था कि आपको सारे न्यू आर्ट सप्लाइज एक साथ देखना है, तो आज हम सारे न्यू आर्ट सप्लाइज, कुछ स्टेशनरीज एंड कुछ यूनिक थिंग्स भी एक साथ देखने वाले हैं। एंड उनमें से कुछ कुछ आर्ट सप्लाइज तो ऐसे है कि आई एम वेरी एक्साइटेड टू यूज देम। सो नाउ विदाउट एनी फर्दर ड्यू, लेट्स स्टार्ट। तो स्टार्ट करते हैं ऐसे थिंग्स से जो हमें डेली यूज में डेली हमें यूज आए। वो है ये पेन। एक्चुअली ये पेन ना मुझे बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल लगती है, तो इस बार हमने इसका पूरा पैकिंग ही ले लिया। इसमें बहुत से डिफरेंट कलर्स भी आते हैं एंड ये मुझे पर्सनली राइटिंग में काफ़ी कंफर्टेबल लगती है। तो ये है फ्लेयर की रिट्रैक्टेबल पेन एंड इस बॉक्स में टोटल पेन्स आती है 10। ये सारी पेन्स एकदम स्मूथ है चलने में, ज्यादा डार्क भी नहीं, बहुत लाइट भी नहीं, सो मुझे एकदम कंफर्टेबल लगती है फॉर डेली यूज। एंड यस कमेंट योर फेवरेट पेन जो आप डेली यूज करना प्रेफर करते हो। तो चलो अब करते हैं अनबॉक्स हमारे नेक्स्ट प्रोडक्ट। वैसे नेक्स्ट प्रोडक्ट क्या हो सकती है, एनी गेसेस? नहीं, वो है ये ट्विस्टेबल क्रेयॉन्स। तो चलो कुछ ट्विस्ट करते हैं यूजिंग दिस ट्विस्टेबल क्रेयॉन्स। इसमें है टोटल 12 कलर्स। अरे वाह, इसका फंक्शन बहुत ही स्मूथ है, सो आई थिंक यूज करने में तो बहुत कम्फर्टेबल रहेगा। नाउ लेट्स ट्राई ऑल द शेड्स। आप बताइए आपको कलर शेड्स कैसे लगे। जनरली हम जब क्रेयॉन्स यूज़ करते हैं तो हमारे हाथ बिगड़ जाते हैं, बट इसमें ऐसा नहीं होगा क्योंकि क्रेयॉन्स प्लास्टिक बॉडी से कवर्ड है एंड मुझे इनकी ये बात बहुत अच्छी लगी। अब ट्विस्टेबल क्रेयॉन्स के बाद नेक्स्ट थिंग है बहुत इंटरेस्टिंग, जिसे हमने भी फर्स्ट टाइम परचेज किया है। वो है ये गूस पेंटिंग कलर्स। एंड यू नो फ्रेंड्स, हमने ये कलर्स फर्स्ट टाइम परचेज किया है, सो आई एम वेरी एक्साइटेड टू यूज दिस कलर्स। एंड आप कमेंट्स में ये जरूर बताना कि गूस पेंटिंग आपको कौन सा चाहिए, मतलब मैं इससे आर्ट कौन सी थीम पे बनाऊं। आई थिंक आप भी मेरी तरह ये बॉक्स में क्या क्या है, कौन से कलर्स है, ये जानने के लिए बहुत एक्साइटेड होंगे, है ना। तो इस क्यूट से एंड प्रिटी से पिंक बॉक्स में है टोटल 18 कलर्स। तो चलिए अब मैं और आप साथ में देखते हैं कि इनकी कंसिस्टेंसी कैसी है। तो ये कलर्स वाटर कलर से थोड़े ज्यादा थिक है एंड इनका टेक्सचर क्रीमी है एंड इट्स इजीली फ्लोइंग फ्रॉम द ब्रश। नाउ फाइनली आवर वेट इज ओवर। तो ये सारे है डिफरेंट शेड्स। तो बहुत ही जल्दी हम इन कलर्स का यूज करके कुछ बनाएंगे। इट विल बी रियली फन टू डू। एंड नेक्स्ट इज दिस डायरी फॉर थिंग्स टू डू। इसके साथ में एक पेन भी आई है, सो लेट्स ट्राई इट। हियर इज अवर न्यू डूडू डायरी एंड इसकी यूनिकॉर्न वाली पेन इतनी अमेजिंग है ना कि मैं आपको क्या बताऊं। वैसे ये यूनिकॉर्न वाली पेन ना मुझे बहुत ज्यादा क्यूट लगी, आपको भी बहुत क्यूट लगी ना। एक्चुअली लास्ट टाइम हमने ये वाली डायरी परचेज की थी, अलग डिज़ाइन की, लेकिन कुछ ऐसी परचेज की थी, उसमें साथ में पेन नहीं आई थी, लेकिन इस बार इस डायरी की परचेज में साथ में पेन भी आई है। अरे नहीं नहीं, अभी अनबॉक्सिंग फिनिश नहीं हो गया है, स्टिल अनबॉक्सिंग इज गोइंग ऑन। एंड नेक्स्ट आर दिस पेंसिल ऑफ नियॉन। वैसे दिस इज ऑल्सो फर्स्ट टाइम परचेज, सो लेट्स अनबॉक्स एंड हैव अ लुक। ये अनबॉक्सिंग करते करते मैं ये सोच रही थी कि सारी पेंसिल्स के बॉडी कलर्स अपनी अपनी लिड के हिसाब से होंगे या फिर यूनिफॉर्म होंगे। एंड हियर इज द रिजल्ट फ्रेंड्स, पूरी पेंसिल ब्लैक कलर की है एंड जो लिड का कलर है वही थोड़ा सा एंड में भी किया है। एंड ऐसी नियॉन पेंसिल्स आई एम ट्राइंग फॉर द फर्स्ट टाइम, बट इट्स रियली सो गुड एंड इनके कलर्स भी एकदम ब्राइट है। वैसे हमने तो ये कलर्स फर्स्ट टाइम लिए, क्या आपने कभी नियॉन कलर्स ट्राई किए? अब नेक्स्ट थिंग हमारे पास वो है जो है एकदम मिनी। ये है राउंड स्ट्रेच कैनवास एंड उसके साथ एक और भी एकदम मिनी थिंग है, वो है ये मिनी डिटेल ब्रशेस। मिनी स्क्वायर एंड रेक्टेंगल कैनवास पर तो हमने ऑलरेडी पेंटिंग कर लिया है, बट राउंड वाले में कभी नहीं किया। सो अगर आपको मिनी कैनवास पर कोई पर्टिकुलर टाइप का पेंटिंग चाहिए तो जरूर बताना। एंड यहाँ पे है ये डिटेल ब्रशेस। इनके ब्रशेस की ना ग्रिप बहुत ज्यादा अच्छी आती है। तो चलो एक एक करके सारे न्यू ब्रशेस ट्राई करते हैं एंड देखते हैं एग्जैक्टली ये कैसे चलता है। मुझे तो बेस्ट लगा ये एंगल स्पॉटलाइन ब्रश, आपको कौन सा लगा बेस्ट? ये ब्रशेस तो ट्राई कर लिए हैं, अब कुछ मैजिक वाले थिंग्स दिखाऊं। वो है ये दोनों मैजिकल थिंग्स। ये है मैजिकल पेंस एंड ये क्या है अभी बताती हूँ। ये मैजिकल पेंस देखने में तो सुपर क्यूट है, बट चलिए देखते हैं ये रियल में मैजिकल है क्या।
वाओ फ्रेंड्स, इट्स रियली अ मैजिक। हर थोड़े राइटिंग के बाद इसका कलर चेंज हो जाता है। एज द सन कलर्स फ्लावर्स, आर्ट कलर्स लाइफ। इट्स अमेजिंग। अगर आपको भी ऐसा सेम बनाना है बट मैजिक पेन से नहीं, तो हम वाटर कलर्स, एक्रेलिक कलर्स या और भी डिफरेंट टाइप्स के कलर्स, स्केच पेन एंड मार्कर्स यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है ये पाउच कम ऑर्गेनाइजर, एंड हमें लगा ये एकदम डिजाइनर। एक तरह से ये भी मैजिकल है, क्योंकि हमें जब इसे ऑर्गेनाइजर की तरह यूज करना हो तो हम इसे छोटा कर सकते हैं, एंड बड़ा करेंगे तो ये कंपास की तरह भी यूज हो पाएगा। फिलहाल तो मैं रख रही हूँ सारे मैजिकल पेंसिल्स में। इट्स रियली वेरी अमेजिंग फ्रेंड्स। मतलब इसे हम ऐसे कंपास पाउच की तरह तो यूज कर ही सकते हैं, लेकिन ऐसे ओपन करके एज एन ऑर्गेनाइजर भी यूज कर सकते हैं। इजंट इट अमेजिंग। अब नेक्स्ट है ये कलर पेंसिल जो है इरेजेबल। चलिए देखते हैं ये कितना है कंफर्टेबल। ये वाली पेंसिल्स तो लुक से ही एकदम कलरफुल है। फिर मैंने इनके इरेजर्स को ट्राई किया, तो ये पेंसिल के साथ जो इरेजर्स आया है उनसे तो एकदम परफेक्टली इरेज नहीं हो पाया, बट हमारा जो रेगुलर इरेजर होता है उससे एकदम परफेक्टली इरेज हो गया। सो यस, इट्स एन इरेजेबल पेंसिल। एंड इस तरह से हम कुछ इरेज करके भी इसमें आर्ट कर सकते हैं। इजंट इट सो गुड। एंड यस यस, बैकग्राउंड मैंने बनाया 4 डिफरेंट कलर्स की पेंसिल से, स्काई ब्लू, ब्लू, पर्पल एंड पिंक। तो आप भी पेंसिल कलर से ऐसे कुछ आर्ट कर सकते हो, डिफरेंट कलर्स बैकग्राउंड में, फिर इरेज करके आपके नेम का फर्स्ट लेटर, एंड यस यस, उस लेटर की थोड़ी सी बॉर्डरिंग करके उसको हाईलाइट भी कर सकते हो। Then it will be finally ready, something like this. अब next हमारे पास है ये art eraser जो है kneadable. अब आप लोग कमेंट्स करके बताइए कि इससे आपको फर्स्ट कौन सी आर्ट चाहिए, ग्रेफाइट वाली या फिर पेस्टल वाली। तो ये है डोम्स का इरेजर। अब चलो करते हैं इसे अनबॉक्स। ये नीडेबल इरेजर हमें बहुत सी आर्ट्स में यूज आ सकता है। क्या आपने कभी किसी आर्ट में ये वाले इरेजर को ट्राई किया है? ये इरेजर स्ट्रेच हो सकता है, एंड बाय प्रेसिंग देम दे कैन चेंज देयर शेप। दैट्स रियली सरप्राइजिंग। एंड हम इनसे हाइलाइट्स कर सकते हैं, एंड और भी डिटेल वर्क्स में ये बहुत यूजफुल है। अब नेक्स्ट हमारे पास है ये सुपर क्ले। उसके साथ साथ मोल्डेड क्ले भी है। वैसे तो इससे बहुत सारे DIYs ऑलरेडी बनाए हैं, लेकिन बहुत सारे आने भी वाले हैं DIYs, सो स्टे ट्यून्ड। अब नेक्स्ट हमारे पास है ये सब थिंग्स, कुछ क्राफ्ट सप्लाईज, कुछ स्टेशनरीज, एंड ये पोस्ट का मार्कर। सबसे पहले अनबॉक्स करते हैं ये एकदम ही क्यूट पेंसिल्स, एंड ये सारी है आइसक्रीम थीम पर। पेंसिल के कलर कॉम्बिनेशन तो यूनिक है ही, बट ये इरेजर सुपर क्यूट है, एंड ऑफकोर्स ये भी ट्राई हो गए। फिर आता है कुछ पॉम पॉम एंड थ्रेड्स, एंड इस बार थ्रेड्स कुछ ऐसे लिए कि उसमें बहुत सारे कलर्स हो, एंड दिस वाज द बेस्ट ऑप्शन फ्रॉम देम। नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज दिस पोस्ट का मार्कर। वैसे पोस्ट का मार्कर्स के ऑलरेडी डिफरेंट कलर्स है, लेकिन रेड कलर नहीं था, अब वो भी आ गया। तो रिसेंटली हमने जो सारे न्यू DIY एंड आर्ट सप्लाईज एंड स्टेशनरीज परचेज की थी, वो सारी आज हमने अनबॉक्स कर ली। उसमें से आपको सबसे बेस्ट कौन सी लगी, आपकी फेवरेट कौन सी है, वो कमेंट्स में जरूर बताना। एंड नेक्स्ट DIY कौन सा चाहिए वो भी बता सकते हैं। बाय बाय।